अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अक्सर लोग हमें कहते हैं जी लाए रिम नट स्लिप हो जाते हैं, नट फिर जाते हैं और हमारा रिम ख़राब हो जाता है। हम रिम को ख़राब किए बगैर इसको किस तरह खोलेंगे, आज हम आपको इसका तरीका बताएंगे। आपने रिम को ख़राब किए बगैर कैसे नट खोलने हैं, आप देख सकते हैं नट जो स्लिप हो गए हैं उसको काटने का फिर तरीका यही है कि आखिर में वेल्डिंग करनी पड़ती है इनके साथ। वेल्डिंग से क्रॉस को काटने के अलावा कोई हल नहीं है, इसलिए लायरिंग में जो आप नट लगाते हैं वो नट लगाने के लिए पैसे ले क्वालिटी के नट लगाएं, उसका लगाएं, नहीं तो फिर रास्ते में परेशानी जब होगी आपको, जब भी टायर पंचर हो या कोई काम कराना हो तो नट नहीं खुलेंगे। सबसे सस्ता और सबसे आसान हल वेल्डिंग में नट को फिर झाड़ दो, वरना ड्रिल से भी बड़ी कोशिश की है वो भी नहीं चलता, कटिंग वाला काम भी नहीं चलता। ये उस्ताद जी काट रहे हैं उसको, आप देख सकते हैं नट स्लिप का नहीं काटने वाला था, देख लें बिल्कुल पानी बना दिया उन्होंने लोहे को, ये टायर उतर गया इसका, ये आप देख सकते हैं स्टड। ये देखें दूसरी चूड़ी, ये चूड़ी जिनकी स्लिप होती है ये नट अपने स्टड का ख्याल नहीं करते, ये रॉन्ग स्टड लगाते हैं तो उनका फिर यही हाल होता है। जिस तरह आपने देखा बिल्कुल इसके व्हील नट्स जो स्टड थे वो फिर रहे थे और इसका रिम, अक्सर लोग कहते हैं रिम ख़राब हो जाता है, तो हमने इसको रिम को ख़राब किए बगैर इसके नट खोले और जो इसके ख़राब होने का रीज़न था सबसे बड़ा वो रीज़न था इसके स्टड गलत लगे हुए थे। वैगनार में आते हैं 12x25 की जो व्हील स्टड की चूड़ी है वो लगता है, लेकिन इसमें स्टड लगाए गए थे 12x5, तो 12x5 के ऊपर लोगों ने नट लगा दिए 12x25 के। जब नट और स्टड अलग अलग लगेंगे तो वो इसके चूड़ी को ख़राब कर देंगे और व्हील नट्स फिर जाएंगे या व्हील नट्स स्टड जाम हो जाएंगे। तो जो नट जिस गाड़ी में रिकमेंडेड हो आप वही नट लगाएं, अगर 12x25 है तो 12x25 लगाएं, 12x5 है तो 12x5 लगाएं। तो अभी हम इसको स्टड फिट करेंगे नए ब्रांड न्यू, और जो स्टड फिट करेंगे वो स्टड फिट करेंगे जो बिल्कुल टैड और फिट जाएँ। अगर स्टड ढीला जा रहा हो जिस तरह आपने देखा, अगर स्टड ढीला होगा तो वो पिछली साइड से घूम जाएगा, अगर स्टड ढीला नहीं है, अगर स्टड टैट जा रहा है तो वो नहीं घूमेगा। अगर स्टड देखें जी, ये स्टड बिल्कुल ढीला गया है तो ये स्टड ख़राब है। हम इसमें स्टड फिट करेंगे जो स्टड थोड़ी सी जरी बड़ी हो उसकी और टैट जाए, सख्त जाए। हाँ, अगर आपके पास स्टड नहीं है मज़बूत चूड़ी वाला, मतलब मज़बूत पिछली साइड वाला, अगर सही मज़बूत नहीं है कि वो टैट नहीं जा रहा, तो आप इसके ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग से वो स्टड टैट हो जाएंगे। और अगर वो उस तरीके से आप नहीं कर सकते तो आप जो स्टड जो टैट जाए वो स्टड फिट कर दें और जो रिकमेंडेड नट हो वही नट लगाएं। लायरिम नट हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाया करें, स्टड हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाया करें ताकि आपको मसला ना आए, खासकर जब आप टायर पंचर लगा रहे हो या खुद टायर फिट कर रहे हो तो चेक करें व्हील स्टड, कोई नट ख़राब है तो चेंज कर दें, अगर नट ख़राब नहीं है तो फिट कर दें, अगर ख़राब है तो चेंज करें, नहीं तो आप इसको ख़राब कर देंगे।